तो यार बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वाई डिड यू ज्वाइन एम यूनिवर्सिटी मेरा जवाब अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करना था यार इसलिए ज्वाइन कर लिया एम यूनिवर्सिटी oh! जो भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला माहौल था ना तो सम्वॉट वैसा ही माहौल रेप्लीकेट हो जाता है एम में तो ऐसे सपने है, तो चले जाना और ऐसा भी सुनने में आया मेरे को बच्चों से कि वो सुबह सुबह ही भाई हाई होके आ जाते हैं बच्चे ठीक है तो क्लासेस में उनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती अरेस्ट करने आ रहे हो करा दिए भाई करा दिए दंगे करा दिए तुमने देख लो भाई एम वाले आ रहे हैं भाई गिरफ्तार करने भागो भाई भागो So what's up everybody? This is Yash. और भाई आज वाली वीडियो होने वाली है एम यूनिवर्सिटी के बारे में ठीक है अब मेरे को जज मत करना कि दो महीने पहले तो आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली आ रहा था वहां से एम पे कैसे आ गया लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट सुनो भाई आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली डेली के बाद अगले नंबर पे एम यूनिवर्सिटी तो आती है भाई पता नहीं लोग किस भ्रम में फंसे हुए फालतू में मीम भीम पता नहीं कौन लोग बनाते रहते हैं सब बेकार भाई एम ही बेस्ट है आज कर रहे होंगे यार एम यूनिवर्सिटी का रिव्यू बढ़िया सब पीडीएफ बना दिया मैंने और भी बहुत सारे रिव्यूज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो जाके देख लो चैनल पे नीचे कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें भाई सारे टॉप आई आई टीज सब रिव्यू हो रखे हैं बॉम्बे डेही मद्रास कानपुर खड़गपुर ठीक है एनआईटीज भी हो रखे हैं ट्रिपल आई भी हो रखे हैं बिट्स पिलानी हो रखा है गलगोटियाज हो रखा है तो जो देखना है देख लेना भाई जाके नीचे लिंक टू कॉलेज रिव्यू प्ले में मिल जाएगा हमारे मतलब आपको बता इसके बाद भाई एक चीज और अगर कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के बाद या सी बी रिलेटेड जे रिलेटेड जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो एट जीज मेरा हैंडल है ठीक है उस पर जाके मैसेज कर दो और भाई वीडियो को शुरू होने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाल वाला बटन दबा दो मेरे को पता बाद में नहीं दबाओगे इसलिए पहले ही कह रहा हूँ ताकि ऐसे और भी कोई कॉलेज रिव्यू आए मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सब कुछ भाई रिव्यू करने वाला हूँ तो आराम से बैठो ऐश मारो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना गलत बात हो जाएगी नहीं तो अभी जाओ वो दबाओ ऐसे वाला बटन होता है फुल स्क्रीन में देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ लाल वाला ठीक है लाल से ग्रे हो गया वो ठीक है रेड से ग्रे हो गया आइकन भी दबा दो ऑल नोटिफिकेशंस कर दो और भाई चलते हैं यार वीडियो की तरफ एक छोटी सी चीज और बहुत सारे लोग कैंपस टूर मांग रहे हैं तो कैंपस टूर की फुटेज एंड में मिलेगी जाके बिल्कुल ठीक है तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा तो वहां जाके तुम देख सकते हो सीधा पहले देखनी है तो नहीं तो पूरी वीडियो देखो उसके बाद मजे से भाई भुवन भाई का गाना सुनेंगे ठीक है हीर रांझा वाला और उस म्यूजिक में भाई कैंपस टूर को देख लेना इसी के साथ यार ये वाली वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी पे शुरू करते हैं तो यार जल्दी से चलते हैं ए यूनिवर्सिटी का एवर फेमस लोगो सारे भाई अखबारों में ठीक है न्यूज़पेपर्स वेबसाइट्स हर जगह एम के एड तुम्हारी आंखों के सामने आते रहते होंगे तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है इनका भाई जो मार्केटिंग बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है उसकी वजह से कैंपस बहुत सुंदर है मैंने विजिट किया हुआ भाई एम का कैंपस मैंने बात करी है वहाँ के बच्चों से मैंने एडमिशन नहीं लिया था लेकिन मैं कॉलेज डी में जाने के बाद एम गया था एक पी ड्राइव पर तो जहाँ उस वक्त मैं मिला था बच्चों से तो ये है भाई एम यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है रात में और दिन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ऐसे भाई एंट्री मारोगे एम में ठीक है एंट्री मारने से पहले बाहर बी एम डब्ल्यू मर्सडीज जैगुआर ऑडी सब कुछ मिलेगा भाई तुम्हें ठीक है पता नहीं भाई कौन से अमीर हो गए कॉलेज में आ गए ऐसा लगता है हमारे वहाँ पर मिलती है फटफटियाँ और साइकिल पे आ रहे हैं बच्चे स्कूटीज पे आ रहे हैं वहाँ तो भाई ऐसे बाइक भी होती है तो बी एम की खड़ी है पार्किंग लॉट में फरारी खड़ी देखी मैंने पता नहीं क्या चल रहा है भाई अलग ही रही सी है कॉलेज की

जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मैं अब तुम बोलोगे कि नहीं होता लड़ोगे कि उनकी साइट पे ये लिखा है मैं बता रहा हूँ भाई तुम जाओगे तुम्हारा हो जाएगा बोलना नहीं चाहिए मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को डिफेम करने का लेकिन उन्हें भी पता है अथॉरिटीज को भी कि यही सच है तो वन नीड्स टू टेक द जेई मीनस का एग्जामिनेशन अगर तुम्हारे सिक्सटी परसेंट से ज्यादा क्लास टेन एंड क्लास ट्वेल्व में आए तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा ठीक है मैंने अगेन कहा सिक्सटी परसेंट से ज्यादा आते ही डायरेक्ट एडमिशन है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार मेरी रैंक में कॉमा लगे यार इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट की बात करें तो 1100 का है अगर 93 परसेंट से ऊपर मार्क्स है क्लास ट्वेल्व में तो तुम्हें सौ परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है अमीरों के कॉलेज में लगभग भाई फ्री रेट पे पढ़ोगे क्योंकि वो सारी जल्दी जल्दी में बनाया जा रही है एक इसकी और एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उसका भी रिव्यू आ जाएगा तो थर्टी जुलाई से पहले अप्लाई कर देना एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है होगा बटन मिल जाएगा वहां जाके भाई अगर तुम्हें करना है टी में अप्लाई तो कर देना और

डीटीओ की पूरे साल की फीस होती है ठीक है तो कोई नहीं भाई अमीरों के कॉलेज में इतनी फीस तो बनती है हॉस्टल फीस की बात करें तो एट्टी फाइव था साल की है एक साल की फीस है तो तुम्हारी टोटल फीस लगा लो कितनी हो जाएगी लगभग चौदह से पंद्रह लाख रुपए थोड़ा सा डिग्री डिपेंडेंट है ये ट्यूशन फीस लेकिन लगभग इतनी रहती है चौदह से पंद्रह लाख रुपए चार साल की फीस उसके अलावा छह लाख का हॉस्टल अगर ए लेते हो तो

थोड़ी ऊंची बातचीत होगी ठीक है ये बिक गई है गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है तो पंद्रह एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है एम कैंपस में स्विमिंग पूल है हॉर्स राइडिंग है जिम सेंटर है शूटिंग रेंज है ठीक है भाई गुस्सा गुस्सा आ रहा हो तो उसके लिए शूटिंग रेंज है फुटबॉल ग्राउंड वॉलीबॉल बास्केटबॉल कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वाश सेंटर ठीक है सारी फैसिलिटीज है ये मैंने फोटो लगा दी स्विमिंग पूल की प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं एम यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स तो भाई बढ़िया ही होंगी अब देखो भाई नहीं है बढ़िया मजाक से हटके भाई बहुत बहुत खराब प्लेसमेंट्स है लेकिन भाई प्राइवेट कॉलेज है उसकी इतनी गलती नहीं है तुम भाई ओवरऑल एवरेज की बात कर लेते हैं जल्दी से तो 4.5 लाख है ठीक है तो अगर सोच के आयो कि पैसा ही पैसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पैसों में डूब जाऊंगा ऐसा नहीं होगा लगाओगे तो दो लाख साठ हजार या ढाई लाख रुपए हाथ में आएंगे तुम्हारे साल के एंड में तो मतलब भाई समझ लो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ अगेन भाई इतना खर्चा तो एम वाले रोज की रोज कर देते हैं कॉलेज में तो पांच सौ पच्चीस को प्लेसमेंट में बुलाया गया था लेकिन उसमें से सिर्फ 25 कंपनीज ऐसी थी जिनका पैकेज पांच लाख के ऊपर था तो ये तो मैं दिखाता है भाई मतलब 525 में से 500 कंपनीज ऐसी थी जो लेस देन 5 लाख दे रही थी ठीक है सिर्फ पच्चीस कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने तुम्हें ग्रेटर देन फाइव लाख का पैकेज ऑफर किया है तो ये कंडीशन बताता है इसको ये ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते इस फैक्ट को ठीक है लेकिन यही सच्चाई है इन्हीं की साइट पे मिली है मेरे को चीजें काफ़ी सारी इसमें से एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लगभग चार साढ़े लाख का ही रहता है वो भी ठीक है ओवरऑल एवरेज साढ़े चार लाख मैंने इसे लिखा ही होगी बहुत सारी ब्रांचेज हैं वो सब चीज़ें हो जाती हैं लेकिन वो इन जनरल भाई चार लाख ही रहता है साढ़े चार लाख भी थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है प्लेसमेंट जो है सबकी यार नोएडा में होती है ठीक है तुम किसी भी कैंपस में हो तुम्हें नोएडा आके करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि नोएडा भाई हब है ठीक है आसपास बहुत सारे ऑफिस हैं सैमसंग वगैरह के ऑफिसज हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी भाई से लोकेशन फैक्टर का फायदा उठाते हुए एम की प्लेसमेंट थोड़ी सी जितनी भी है भाई ऊपर उठ जाती है एमेजॉन ने यार हाइएस्ट पैकेज दिया था तीस लाख का और गूगल ने बारह लाख

लेकिन भाई अब यही है वाई यू शुड नॉट ज्वाइन आर मैंने मेजर पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं सबसे पहली चीज टू मनी रेस्ट्रिक्शंस भाई ठीक है बायोमेट्रिक अटेंडेंस है कॉलेज में घुसोगे तो अगर मतलब अगर गाड़ी से नहीं आ रहे तो अपना आई डी कार्ड उस पर लगाओगे तो जैसे मेट्रो में यूं यूं गेट नहीं खुलते इस तरीके से उन्होंने सिस्टम लगा रखे हैं भाई अजीब अजीब से ठीक है लेकिन आ, मैंने ऐसा सुना है स्टूडेंट से ही कि बहुत सारे केसेज हुए हैं एमए टी में जहाँ पे गार्ड्स को तुम ब्राइब कर देते हो ठीक है मतलब रिश्वत दे के गार्ड्स को बहुत चीज़ें कॉलेज के अंदर स्मगल करी जाती है ठीक है कुछ सीन वीन भी हो गया था थोड़े टाइम पहले भाई ड्रग्स वगैरह का कुछ केस हो गया था तक मेरे को याद है तो वो यही था कि गार्ड को ब्राइब किया जा रहा था गार्ड को रिश्वत देके चीजों को माल को भाई कॉलेज के अंदर घुसाया जा रहा था एम वेरी सॉरी मेरा किसी को ऑफेंड करने का मोटिव नहीं है लेकिन ये मेरे को पता चला था अमीर बच्चे ऑल अराउंड द कैंपस इज वेरी ट्रू ठीक है ये जो रूमर है ये भाई गलत नहीं है जो तुम सोचते हो कि अमीरों का कॉलेज है रईसों का है तो काफी ज्यादा सच्चाई है ठीक है यू विल फाइंड अ फ्लीट ऑफ मर्सिडीज और डी बी एमडब्लू एन जागवर इन साइड एंड आउटसाइड द कैंपस एक्सट्रीमली रिच क्राउड ठीक है मिडिल क्लास लोग भी हैं लेकिन भाई अलग ही लेवल की क्राउड आती है मैं खुद देख के हैरान रह गया था भाई कॉलेज गाड़िया वाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं लोग अलग ही सीन चल रहा होता है बाहर भी भाई बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खड़ी हैं बच्चे चश्मे वश्मे लगा के घूम रहे हैं जो भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला माहौल था ना तो समवॉट वैसा ही माहौल रेप्लीकेट हो जाता है आमिटी में तो ऐसे सपने तो चले जाना ड्रग्स एंड बूज इज वेरी कॉमन इन आमेटी ठीक है ये तो क्या ही बोलूं मेरे को भाई पता चला अमिटी के आस ही है भाई इस सब चीजों का तो वहीं बैठ के लोग जिंदगी के मजे लेते रहते हैं और ऐसा भी सुनने में आया मेरे को बच्चों से कि वो सुबह सुबह ही भाई हाई होके आ जाते हैं बच्चे ठीक है तो क्लासेस में उनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती कौन है कहाँ से आते हैं ये ये सिस्टम है अब अगेन भाई ये मैं मेजोरिटी के लिए नहीं बोलूंगा थोड़े ही बच्चे होते हैं जो ऐसा माहौल वगैरह खराब करते हैं लेकिन ड्रग्स एंड बूज इज़ वेरी प्रेविलेंट इन एमिटी ठीक है तो आ, अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो यू नीड टू बी वरीड अबाउट योर चाइल्ड ठीक है अगर मतलब गलत कंपनी में हो गया तो ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन दिस इज द केस विद एवरी कॉलेज या डी में भी होता है आई टी में भी होता है एम में भाई थोड़ा सा ज़्यादा है ठीक है एक्सेस आसान है भाई एमिटी में इन चीज़ों की तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत तो है प्लेसमेंट्स आर रियली बैड एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस विद मास रिक्रूटर्स और इसकी वजह से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज़ वेरी पुअर ठीक है भाई चार लाख रुपए की प्लेसमेंट मिलेगी एवरेज देखा जाए तो तुम्हें तो ठीक है और तुम बीस से इक्कीस लाख रुपए इस कॉलेज पे खर्च कर रहे हो तो काफी ज्यादा बुरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेकिन ठीक है भाई अब इसमें भाई तुम डिबेट करोगे नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है भाई पॉइंट ये है कि यार एम में तुम आ रहे हो तो उसका एक रीज़न है कि तुम्हें जो टॉप के बिल्कुल कॉलेजेस हैं ठीक है आई एंड टीज आई टीज़ बिल्ड्स ये सब तुम्हें नहीं मिला इसलिए तुम एम में आ रहे हो कोई ऐसा तो होगा नहीं भाई कि आई आई छोड़ के एम में आ गए कि चल भाई ऐश मारेंगे चार साल जिंदगी की तो यही है भाई उसके हिसाब से कॉलेज कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है वो अच्छी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं मेहनत करो तो है यहां पे भी करने को बहुत कुछ लेकिन भाई तो तुम कॉलेज को दोष मत दो मैं तुम्हें इन जनरल थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं जो सच हैं हॉस्टल की बात कर लेते हैं जल्दी से तो दो टाइप के हॉस्टल हैं ए सी है और नॉन ए है ठीक है एसी हॉस्टल में सिंगल ऑक्यूपाइड रूम्स हैं और भाई कॉमन रूम है चार सच बच्चों के लिए ठीक है तो उसमें टीवी वीवी दिया हुआ होता है इन्होंने इसके अलावा कॉमन रूम के अंदर टीवी सेटिंग एरिया है अटैच वॉशरूम है क्लीनलीनेस अच्छी सी

ये फोटो देख लो जल्दी से भाई ये कोई महल नहीं है ये कोई मॉल नहीं है ये किसी बड़े आदमी का घर नहीं है ये है भाई एम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मैं भाई पागल हो गया था दिमाग फट गया था मेरा भाई ये देख के एम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भाई ये सही में भाई ऐसे एलिवेटर्स लगे हुए हैं सुंदर सुंदर चेयर्स भाई ये सोफे काउचेज वगैरह सब कुछ भाई लगा हुआ है इनकी लाइब्रेरी में एंट्री पता है कैसे होती है भाई जैसे मेट्रो में गेट होते हैं ना उस तरीके से कार्ड लगा हुआ एंट्री हो जाती है हमारे डीटीओ में पता है कैसे होती है ऐसे गेट में घुसो एक गार्ड खड़ा होगा वो बोलेगा आईडी कार्ड दिखाओ अपना और एक ऐसे गंदा सा रजिस्टर होगा जिसके पेज फटे हुए होंगे उस पर अपना नाम फ़ोन नंबर लिखो फिर लाइब्रेरी में घुसने दिया जाता है इनके में तो भाई ऐसे कार्ड लगाओ मेट्रो की तरह क्यों अंदर भाई आलीशान महल बना रखा है क्या बताऊँ मैं तो यार इट हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी लैब्स टू क्लासरूम सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में डेढ़ लाख से ज़्यादा बुक्स हैं अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तुम्हारा वॉलेट हमेशा मोटा मोटा रहता है तो उसको पतला करने में देर नहीं लगेगी क्योंकि भाई सीसीडी डोमिनोज मामा अमूल कैफे डोसा प्लाजा वॉल स्ट्रीट बहुत सारे ऑप्शन है कैंपस के अंदर ठीक है और कैंपस के अंदर क्यों रहोगे भाई बाहर भी घूम लो इतना पैसा है तो अब बात कर लेते हैं यार वाई यू शुड ज्वाइन आई की ठीक है दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से तुम कर सकते हो तो पहली चीज़ यार जो मेरे को एम के बारे में अच्छी लगती है वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर ठीक है हमारी भाई कॉलोनी में एक बच्चा रहता है वो एम का ही है तो वो लंडन गए थे यार घूमने ठीक है सीनियर है मेरे से भैया हैं तो वो लंडन में अपना एक सेमेस्टर ठीक है दो या तीन महीने लंडन में पढ़ के आए थे एम के लंडन वाले कैंपस में तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ अगर ऐसा कुछ सीन है स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है एम के कैंपस लंडन दुबई सिंगापुर न्यूयॉर्क ठीक है तो अगर ऐसी है भाई कि लंदन में दुबई में सिंगापुर में और न्यूयॉर्क में ऐश मारनी है तो एमिटी कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इसके अलावा ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है पांच सितारा हो, होटल होता है ना पूरा जो फाइव स्टार होटल वो वाली फील आ जाएगी कॉलेज लाइफ और जनरल हैंंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी वंडरफुल एट एमिटी फेस्ट की बात कर लेते हो तो एमिटी के फेस्ट का नाम है एमिटी यूथ फेस्ट और भाई इसके अलावा एमिटी में तो भाई जमावड़ा लगा रहता है एकदम भाई तुम्हें पता ही है सारे स्टार्स बड़े बड़े आते रहते हैं हम भाई जलते रहते हैं सरकारी कॉलेज वाले अच्छी रैंक ला के भी भाई दिक्कत रहती है एमिटी में तो भाई आदित्य रॉय कपूर है भाई कटरीना कैफ अक्षय कुमार हुमा कुरेशी ये सब भाई एमिटी में पास्ट में विजिट कर चुके हैं सारे भाई बड़े बड़े स्टार्स आते रहते हैं एमिटी में तो काफी ज्यादा बढ़िया फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं यार यश का क्या कहता है तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो यार अगर तुम्हें टॉप आई आई टी एन आई जादवपुर डी टी ट्रिपल आई टी डी सी टी पैक वीआईटी वी आई टी मणिपाल एसआरएम ये वाले कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो यार एमिटी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका एक अपने लोकल किसी स्टेट कॉलेज जिसका कोई नाम ही नहीं जानता उससे अच्छा तुम एम चले जाओ ठीक है तो वो थोड़ा सही रहेगा क्योंकि स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज है तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो इट कुड बी अ गुड ऑप्शन अगर तुम वहां पे ढंग से मेहनत कर लो यू विल गेन ग्रेट एक्सपोजर एंड यू वुड बी एबल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि जो सारी एलिट क्राउड होती है तो मोस्टली इंग्लिश वगैरह में बात होती है तो उस चक्कर में भाई तुम भी इंग्लिश में एकदम बढ़ाने लग जाओगे और मस्त हो जाओगे और भाई अगर अगले चार साल ढंग से हसल कर सकते हो ठीक है और हर जगह मतलब यू कैन बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम तो या यू कैन मेक अ गुड करियर आफ्टर कॉलेज ये मैंने एम का बर्ड आई व्यू लगाया है भाई बहुत सुंदर कॉलेज है ठीक है और जितनी भाई मैंने रोस्ट कर दिया बेसिकली उतना नहीं है ठीक है एम का जो क्राउड है सपोर्टिव है ऐसी बात नहीं है ठीक है इंसिडेंट्स होते रहते हैं एलीट क्राउड है ये बात भाई सब जानते हैं अथॉरिटीज़ भी जानती है मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं किसी भी कॉलेज के लिए ऐसा बोलूँ लेकिन भाई जो सच्चाई है मैं वो लाना चाहता हूँ ठीक है तुम्हें तो भाई पेड रिव्यूज़ बहुत मिल जाएंगे लेकिन यही सच्चाई है भाई एम यूनिवर्सिटी की तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा भाई कोई भी डाउट बचा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो एट याश जीज मेरा हैंडल है ठीक है एम के किसी बच्चे से बात करनी है तो मैं उसका हैंडल दे दूंगा बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में वो तुम्हारी हेल्प कर देगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ यार मज़ा आ गया होगा वीडियो देखने में तो तुम्हें मेरे को पूरा भरोसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दो और प्राइवेट कॉलेज के रिव्यू आ रहे होंगे ठीक है तो तुम भाई एक बढ़िया चॉइस ले पाओगे तुम्हें कौन सा प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए तो ऐसा कुछ मोटिव है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है इस पर कितना एम रखे हैं बताओ पंद्रह सौ का रख दें पंद्रह हजार सब्सक्राइबर्स हैं रिसेंटली ठीक है तो पंद्रह सौ लाइक्स का एम रख रहा हूं इस वीडियो पे कर देना ठीक है टेन परसेंट लेकिन पंद्रह लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए अपने मम्मी पापा के फोन से कर देना ठीक है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो क्लास ग्रुप्स पे शेयर कर दो ये वाला रिव्यू और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी जो एम वगैरह में जाना चाहते हैं कैंपस टूर की फुटेज आ रही होगी भाई आगे ठीक है वो देख लेना ठीक है टाटा बाय बाय के बाद भुवन बाम भाई का गाना सुनो बीवी की वाइन्स का और थोड़ा सा भाई एंजॉय कर लो मन को हल्का कर लो आम का कैंपस देख लो जल्दी से भाई रुक जाओ मैं देखो तुम्हें कह रहा हूं समझा रहा हूँ आराम से एक चीज एम के सपने अभी लगा के मत बैठो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे परफॉर्म जनवरी में बहुत कम थी तुम्हारी जेई मेन्स परसेंटाइल तो एम में अप्लाई कर दो ये नहीं भाई तुम्हारी एट्टी फाइव नाइन्टी परसेंटाइल आ रखी है ऑलरेडी जनवरी में और एम में अप्लाई करने बैठ जाओ नहीं ये काम मत करना थर्टी फर्स्ट जुलाई भाई लास्ट डेट है ट्वेंटी ट्वेंटी वाले एसपेरेंट्स के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो कर दो भाई सेफ लेके चलो एम इतना गंदा कॉलेज नहीं है ठीक है तो मैं यही कहूंगा थोड़ा सा सेफ खेल के चलो एक कर दो कॉलेज अप्लाई अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे इस कॉलेज की फीस ठीक है भाई लेकिन इसको अपने मन में नहीं बिठाना अगेन मैं कह रहा हूं ये सोच के नहीं जाना कि अपन तो जाएंगे एमएटी में शारदा में ये कर लिया तो अपने माइंड में तुमने बिठा लिया बिल्कुल ठीक है फिर गलत चीजें होने लग जाएंगी फिर भाई पढ़ाई की वो मोटिवेशन नहीं रहेगी तुम्हें दिखेगा एक बढ़िया सा कि मॉल में रहेंगे चार साल ऐश मारेंगे लेकिन ये सोचना है चार साल तो ऐश मार लूंगा चार साल के बाद क्या ठीक है तो वो इंपॉर्टेंट है चार साल के बाद क्या करोगे उस चीज को थोड़ा सा सोच लेना और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लेना और भाई इसके अलावा मेरे बाकी सारे सोशल हैंडल्स यहां दिख जाएंगे उन्हें देख लो आराम से ठीक है हर जगह फेसबुक स्नैपचैट लिंक हर जगह कनेक्ट मार लो अपने भाई के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार फिर से कह रहा हूं कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो इंस्टाग्राम पे तुम्हें डीएम का जवाब नहीं मिला ई मेल कर दो ई मेल सारे होते हैं अगर हाई प्रायोरिटी पे कोई डाउट है तो उसको ई मेल पर जवाब दिया जाएगा डॉक्टर जी मेल डॉट कॉम मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में एंड इट्स बाय